हेलो, आई एम डॉक्टर देवेंद्र सिंह, रिटायर्ड प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, डायरेक्टर ऑफ एक्सपर्ट कैंसर होम्यो क्लिनिक विच इज़ सिचुएटेड इन लखनऊ, दिल्ली एंड मुंबई। ये संस्था असाध्य रोग इनक्यूरेबल केसेस के लिए इस्टेब्लिश की गई 40 वर्ष पहले, और यहाँ पर इनक्यूरेबल केसेस जैसे कैंसर, किडनी फेल्योर, एप्लास्टिक एनीमिया, इनफर्टिलिटी, हेपेटाइटिस बी सी का समुचित उपचार होता है। आज मैं यहाँ पर होम्योपैथिक मेडिसिन के रोल किडनी फेल्योर के बारे में पूरी तरह से डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसा आप जानते ही हैं कि यदि शरीर में 5 लीटर ब्लड होता है तो टोटल अमाउंट का 1/5 ऑफ द ब्लड यानी 1 लीटर ब्लड दोनों किडनी 500 ml राइट में, 500 ml लेफ्ट में प्योरिफिकेशन के पर्पस से जाता है, जहां पर वो चीज़ें जैसे क्रिएटिनिन है, यूरिया है और भी जो तत्व जो शरीर के लिए नुकसानदेह होते हैं वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं और ब्लड में नहीं आते हैं। किडनी फेल क्या है? जब सामान्य रूप से दोनों गुर्दे काम करना कम कर दें या बंद कर दें तो उस कंडीशन में ब्लड लेवल सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, हीमोग्लोबिन, यूरिया और क्रिएटिनिन लेवल में ड्रास्टिक चेंज आते हैं, जिसकी वजह से किडनी काम करना कम करता है या बंद करता है, उसको किडनी फेल कहते हैं। रीजंस ऑफ किडनी फेल्योर। नंबर 1, जेनेटिकली देखा गया है कि गुर्दे का जो साइज है वो पैदा होने के बाद छोटा होता है और जैसे जैसे एज एडवांस होती है इसका साइज़ बढ़ता जाता है। 5-10% केसेस में, किडनी फेल्योर के केसेस में, यदि किडनी का साइज़ एज के साइज़ के से मुकाबले न बढ़े तो वो छोटा रह जाता है। अल्टीमेटली किडनी के ऊपर लोड ज़्यादा पड़ता है और वो किडनी फेल्योर की तरफ बढ़ता है। किडनी फेल्योर का सबसे बड़ा रीज़न है डायबिटीज़ मेलिटस। ऐसा प्रायः देखा गया है कि जैसे जैसे डायबिटीज़ बढ़ती है साथ में एसोसिएट करती है हाई ब्लड प्रेशर से, और इन दोनों की जब मेडिसिन चलती है तो कॉम्प्लिकेशन अराइज हो गए। हिंदुस्तान में प्रायः यह देखा गया है कि पेशेंट को यदि एक बार कोई लर्नड डॉक्टर दवा लिख देता है तो वो सालों साल उस दवा को खाता रहता है। नंबर 1। नंबर 2, कभी उसकी कोई जांच नहीं कराता है, जिसकी वजह से बॉडी में एक रिएक्शन होता है और किडनी की डिसफंक्शनिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो द डायबिटीज़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फैक्टर फॉर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ किडनी फेल्योर या फेल गुर्दा। आज के परिप्रेक्ष्य में यह देखा जाता है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति से लेकर देहात का मरीज भी जब कोई बीमारी आती है तो वो मित्रों की सलाह से, अपने रिलेटिव्स की सलाह से या मेडिकल स्टोर में डायरेक्ट वहां पहुंच के ड्रग्स लेता है और बिना राय के, बिना प्रिस्क्रिप्शन के उस दवा को खाता रहता है, जिसकी वजह से किडनी की फंक्शन में एक एबनॉर्मलिटी आती है। ऐसा प्रायः देखा गया है कि हमारे हिंदुस्तान में हम सबसे कम खर्च अपनी हेल्थ पे करते हैं, न तो हम रूटीन एग्जामिनेशन कराते हैं, न किसी लर्नड डॉक्टर को दिखाते हैं। 90% जनता जो आज यह कार्य कर रही है, केसेस ऑफ किडनी फेल्योर उतने ही हमारे समाज में बढ़ते चले जा रहे हैं। होम्योपैथिक मेडिसिंस और उसका किडनी फेल्योर में क्या रोल है? हम लोग देखते हैं कि जिस वजह से किडनी फेल्योर हुआ है, चाहे वो रॉन्ग मेडिसिन लेने से, बहुत प्रोलॉन्ग मेडिसिन लेने से
या कोई भी इमरजेंसी में ऐसी ड्रग दी गई जिसकी वजह से किडनी फेल होता है, एक्यूट रीनल फेलियर होता है, उस के साइड इफ़ेक्ट्स को हमारी होम्योपैथिक मेडिसिंस कैपेबल हैं दूर करने में। किडनी में जो चेंज आता है सेलुलर लेवल पे, उसको होम्योपैथिक मेडिसिन से हम जो डिरेजमेंट हुआ है, क्रॉस पैथोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं, उसको हम फिर से इरिवर्सिबल कंडीशन को रिवर्सिबल करने में सक्षम हैं। हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन यदि किडनी फेलियर पेशेंट को दी जाती हैं तो वो धीरे धीरे सीरम यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, सोडियम पोटेशियम, फास्फोरस, हीमोग्लोबिन के लेवल को नॉर्मल करने की कोशिश करता है। नंबर दो, वह जो भी चेंजेस आए हैं उसमें उसको दूर करने की कोशिश करता है। यदि पेशेंट डायलिसिस पे है तो डायलिसिस के बाद जब कम हो जाता है यूरिया और क्रिएटिनिन तो उसको कोशिश करता है कि वो फिर से न बढ़ने दे। तो इसके मतलब ये है कि होम्योपैथिक मेडिसिंस डायलिसिस को कम करती है। यदि डायलिसिस शुरू हो गई है, यदि डायलिसिस नहीं शुरू हुई है तो वो उसको न शुरू होने में भी मदद करती है। मैं आपको फिर से ध्यान दिला दूं कि होम्योपैथिक के पास ट्रिमेंडस पावर है कि वो सोडियम पोटेशियम लेवल को, ग्रास पैथोलॉजिकल लेवल को और यूरिया क्रिएटिनिन लेवल को मेंटेन करती है। यह एक बहुत अच्छी बात है कि होम्योपैथिक मेडिसिंस के सिर्फ इफ़ेक्ट्स होते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। इसलिए हम लोग आँख मूंद कर अपनी दवाओं पर विश्वास करके किडनी फेलियर को पेशेंट को दवा देते हैं और रिज़ल्ट लेते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिंस किसी अन्य दवाओं के साथ भी किडनी पेशेंट को दी जा सकती है। ये इसमें कोई भी आपस में दुश्मनी नहीं है। किसी अन्य पैथी की दवा का लाइन ऑफ एक्शन दूसरा होता है और होम्योपैथिक मेडिसिंस का लाइन ऑफ एक्शन दूसरा होता है। एक एक मिलके 11 होता है। जैसे जैसे मरीज ठीक होता है वैसे वैसे और दवाएं धीरे धीरे कम होती हैं और फिर बंद हो जाती हैं और मरीज पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। मैंने मेडिकल कॉलेज में और क्लिनिक में पिछले 40 साल में होम्योपैथिक मेडिसिंस का किडनी फेल्योर के ऊपर बहुत अच्छा रोल देखा है। अब किडनी फेल्योर से घबराना नहीं है, होम्योपैथिक है ना। आजकल किडनी फेल्योर के पेशेंट के लिए एक आम बात हो गई है कि जब किडनी फेल्योर पेशेंट की क्रिएटिनिन 4 से ऊपर जाती है तो डॉक्टर्स उसको कहता है कि अब तुम डायलिसिस के लिए तैयार हो जाओ, और जब 7 के ऊपर जाती है तो वो कहता है कि अब तुम अपने रिश्तेदारों से किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए किडनी की डिमांड करो। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस परिप्रेक्ष्य में किडनी फेल्योर के पेशेंट के लिए होम्योपैथिक एक नई आशा की किरण लेके आई है। और इस नॉलेज को आप जितने जगह फैला सकें फैलाएं, और पेशेंट लाभान्वित होगा, ज़रूर होगा और ज़रूर होगा। इसी शब्द के साथ मैं यह किडनी फेल्योर का चैप्टर और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का बंद करता हूँ।